विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं सोहल एग्रो इंडस्ट्रीज दलौला मंडी पंजाब में। दोस्तों ये इंडस्ट्री पंजाब में संगरूर बरनाला रोड पे पड़ती है और आज मैं आपको मड लोडर के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों इस मशीन का जो काम रहता है वो खेत से मिट्टी उठाकर ट्रॉली में भरना होता है दोस्तों। और ये जो मशीन है मड लोडर, ये दो मिनट से पहले दोस्तों ट्रॉली में मिट्टी को भर देती है, ट्रॉली भर देती है। और आज मैं आपको सोल की ये जो मशीन तैयार की है मड लोडर, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों नई आ रही मशीनों की जानकारी सबसे पहले विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल पे मिलती है। किसान भाइयों बात करते हैं इस लोडर के बारे में, जी कैसे बना है इसके बारे में आपको शुरू से बताता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं इसके जो इसका हुड होता है, मत्था होता है, आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। हम जो अपने दोस्तों मार्केट में मड लोडर बहुत ज़्यादा देखे होंगे, मगर हर कंपनी की अपनी अपना जो स्टाइल होता है, डिज़ाइन वगैरह होता है, टेक्नोलॉजी होती है अलग होती है, मगर जो सोल ने तैयार किया गया है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इसका जो मॉडल का नेम है सुपर पावर, और ये सुपर पावर कैसे है पहली बात तो बताना चाहूँगा भी। जब ये खेत से मिट्टी उठाता है, जी देखिए ये मिट्टी उठाना, इसका ब्लेड लगा हुआ है, इसका ब्लेड भी अच्छा और बढ़िया ब्लेड लगा हुआ है, आगे से तीखा है, ताकि ज़मीन से मिट्टी आसानी से ये उठाकर उसके बाद आगे ले जाता है। कई दोस्तों प्लेट, एक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में प्लेट दी गई है, इसमें साइड में प्लेट जोड़ी गई है। इसका जी बेनिफिट रहता है भी, जो मिट्टी है जितनी मिट्टी उठाई है वो सारी की सारी मिट्टी पीछे जाएगी, और ज़्यादा ट्रॉली जल्दी से जो मिट्टी जितनी मिट्टी ज़्यादा जाएगी दोस्तों उतनी जल्दी ट्रॉली भरी जाएगी मिट्टी से। और बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं, जैसे कि आपको ये बताना चाहता था, इसका जो हुड है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिया गया है। इसका ये भी बेनिफिट रहता है, कई बार ज़मीन में अगर पत्थर पड़े हैं, कई बार पत्थर तिड़क जाता है तो आगे ट्रैक्टर पे ना जाए, तो उसके लिए भी ये सेफ्टी का काम करता है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें जो आगे पीटीओ दी गई है, जिससे हम ट्रैक्टर को अटैच करते हैं, वो आपके ट्रैक्टर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो आप नीचे वाले सराख में भी इसको डाल सकते हैं, पीटीओ को ऊपर करना चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको पीटीओ का हिस्सा जो रखना हो तो यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। हुक है, अच्छी और बढ़िया हुक दी गई है इसमें। और दोस्तों इसकी चैन की बात करते हैं, और इसके फर्श की जिसका बेड है वो 5 mm की सीट से बना हुआ है। इसकी जो घसावट है बहुत कम है, और जो चैन लगी हुई है इसमें सनी कंपनी की चैन लगी है, अच्छी और बढ़िया चैन लगी हुई है दोस्तों। इसकी लैब भी है जो चैन की, जो काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद इसकी बॉडी की बात करें इस लोडर की, तो इसकी एक सिंगल सीट की प्लेट बॉडी का जो तैयार किया हुआ मड लोडर है, आप देख सकते हैं इसमें सारी एक प्लेट लगी हुई है, जी प्लेट बॉडी का ही तैयार किया गया है। और इसमें ऊपर अगर किसान भाई ने अपना काम वगैरह करना हो तो सीढ़ी दी गई है ऊपर चढ़ने के लिए, अगर अपने कोई बैरिंग वगैरह चेंज करना है या इसको पटे को और इस पींगे को एडजस्ट करना है तो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें कंपनी ने छोटी सी चीज़ का ध्यान रखा है, जैसे कि जब मड लोडर चलते हैं, जब एक सीजन दो सीजन लगाकर हट जाते हैं, तो जब पटे की या पटा क्या होता है एक साइड चला जाता है या घस जाता है, मगर इसमें क्या हुआ है, इसमें जो कंपनी ने रूलर यूज़ किया है, अच्छा और बढ़िया दोस्तों हमें रूलर मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए अच्छी और बढ़िया सीढ़ी दी गई है, और दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं इसमें लाइट लगी हुई है। इसका ये बेनिफिट रहता है, जब खेत में आपका लोडर चल रहा होता है तो ड्राइवर भाई को आसानी रहती है ट्रॉली को देखते हुए, ट्रॉली की कितनी मिट्टी डल गई और कितनी रह गई, आप उस पर लाइट लगी होती है, मतलब पता लाइट से आसानी से पता चल जाता है ड्राइवर भाई को। उसके बाद इसके टायरों की बात करें तो कंपनी इसमें एम आर के टायर देती है दोस्तों, अच्छे और बढ़िया एम आर के टायर देते हैं, 7-19 के इसमें टायर डले हुए हैं, अच्छे और बढ़िया इसमें एक्सल जो फिट किए गए हैं। और उसके बाद इसके अगर डिज़ाइनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके कवर हैं अच्छे और बढ़िया हैवी सीट से तैयार किए गए कवर हैं, बहुत मोटी सीट से ये बनते हैं, और बढ़िया इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। उसके बाद आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये सोल का अच्छा और बढ़िया तकनीक से बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बना हुआ जो लोडर है। आप अगर आप यहाँ पे खड़कर अगर कुछ चेंज करना चाहें, यहाँ पे जैसे मैं कब कब दिखा देता हूँ, यहाँ पे पैर रखा मैंने और आप देख सकते हो ऊपर चढ़ गया, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आसानी से यहाँ पे खड़ सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये देख सकते हो ये आपका पिंगी को उठाने के लिए दोस्तों, और ये लॉक लग जाता है, आप देख सकते हो। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये लोडर जो आप देख रहे हैं 2 मिनट से पहले ट्रॉली को भर देता है, और
जो आप मैं बेल्टों के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी जो बेल्टें लगी हुई हैं, इस जे 4-5 हज़ार ट्रॉली भरने के बाद थोड़ी सी लूज़ होती हैं। उसके बाद अगर लूज़ होती भी हैं तो आप एटल से इसको टाइट कर कर आप इसका काम चलते चलते रख सकते हैं, और इसकी जो लाइफ भी है बेल्ट की वो ज़्यादा रहती है। और 4-5 हज़ार ट्रॉली करने के बाद भी ये बेल्टें कहीं जाने वाली नहीं हैं, और अच्छी और बढ़िया सीट लगी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं। और ये प्लेट बॉडी में तैयार किया गया जो मड लोडर है, और इसको आप एक साइड आपको मैं ये येलो कलर के मड लोडर हैं जो आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको दे सकते हैं। ये भी अच्छे और बढ़िया मड लोडर तैयार किए गए हैं। हमारा वादा खर्चा कम मुनाफा ज़्यादा, अच्छे और बढ़िया दोस्तों। पीछे से देख सकते हैं आप, बेस्ट क्वालिटी और बहुत बढ़िया डिज़ाइन से तैयार किया गया लोडर है। आप जितनी कटिंग है दोस्तों इसकी प्लाज्मा से कटिंग की जाती है, जैसे सोल एग्रो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कटिंग की गई है प्लाज्मा से, और जितने भी लोडर है सभी पे लाइट वगैरह लगी हुई हैं। और टायरों की बात करें तो कंपनी इसके साथ एम आर के टायर देती है। आपको मैं टायर दिखाना चाहूँगा, आप टायर देख सकते हैं, इसमें एम आर के टायर मिलते हैं जो 7-19 के होते हैं। दोस्तों अगर आप सोल का मड लोडर लेना चाहते हैं या लेने के बारे सोच रहे हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर इस पर कर इन लोडर को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों नई आ रही मशीनों की जानकारी सबसे पहले इंडिया में विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल ही देता है। धन्यवाद।